हाँ वही वही ग्राफ में डाउट्स डिस्कस करेंगे. कल हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे थे. हाँ ग्राफ में डाउट्स बता दो पहले, तुम्हारे असाइनमेंट से जो डाउट्स है वो बता दो, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन. वैसे एक मिनट, पहले होमवर्क. मैंने एक होमवर्क दिया था, कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला. और एक क्वेश्चन भी आपके सामने. हाँ और मतलब एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना था, म्यूट कर लेना. एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना था, एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाना था. मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया और उसके लिए वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ बनाना था. सबने ट्राई किया है? सर सेम क्वेश्चन केपी सर ने दिया था. अच्छा सेम क्वेश्चन केपी सर ने दिया था, ठीक है. नहीं आया. कितने लोग का आया? जिनका आया वो बताओ कैसा होगा. स्पीड पहले पहले वेलोसिटी टाइम. सर पहले तो आप चूज करिए पॉजिटिव कौन सा ले रहे हैं, नेगेटिव कौन सा ले रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि पहले किस साइड पे जाएगा लाइन. सोनक सोनक एक मिनट, तुम जो लाइव बैठे हो? नहीं सर आपने आप ए, भूल गए. अच्छा ठीक है. रुक जाओ सोनक, तुम लोग हो चुका है, ये लोग अभी नहीं हुआ है. एक मिनट. ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ ठीक है. जुलाई बैच में से कैसे स्टार्ट किया जाए? जो मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो इसका स्पीड क्या होगा? इनिशियल स्पीड जीरो. जीरो. तो हम लोग ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से. अब ये किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? बॉल को ड्रॉप किया मैं तो ये क्या होगा? ऊपर जाएगा प्रथमेश. अच्छा वेलोसिटी का है ना. हाँ सर. हाँ तो बॉल नीचे गिरेगा. एक्सेलरेशन हमेशा -10 है. एक्सेलरेशन -10 है मतलब कांस्टेंट है. तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा क्या? यस सर. तो ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्पीड उसका इंक्रीज करते जाएगा. v इक्वल टू यू प्लस 80. तो लीनियर ग्राफ मुझे बनेगा तो ऐसा ग्राफ होगा. ये हम लोग कल देखे थे. इसमें कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. अच्छा अब जैसे ही बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करने मैं मान रहा हूँ कि नेग्लिजिबल टाइम लग रहा है, तो हिट करने के जस्ट बाद मैंने क्वेश्चन में दिया था कि बॉल ऊपर सेम स्पीड से बाउंस कर जाएगा, राइट? Yes, sir. तो अब मान लो इसका वेलोसिटी यहाँ पर v1 रीच किया तो ये क्या हो जाएगा? अचानक से इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गया, मतलब वेलोसिटी अचानक से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. तो मेरा अचानक से वेलोसिटी पॉजिटिव पहुंच जाएगा. हाँ या ना? Yes, ये फील आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? अब फिर इसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा और डिक्रीज होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे वापस से जीरो हो जाएगा. तो इसका स्पीड डिक्रीज होगा फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा और वापस से देखो मेरा बॉल वहीं पहुंच गया जहां पर इनिशियली था. तो वापस से मेरा ग्राफ क्या होगा? सेम तरह से रिपीट करने लगेगा, राइट? यस सर. ये फील आया या नहीं आया? हाँ ग्राफ रिपीट कैसे हुआ? यहाँ से देखो तुम्हारा बॉल नीचे आया. तो बॉल जब नीचे आएगा तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, हिट करेगा. तो वेलोसिटी नीचे की ओर होगा. मेरा ग्राफ यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर. अब जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करने के बाद क्या होगा? इसका वेलोसिटी सेम वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट? यस सर. तो अचानक से क्या होगा? वेलोसिटी जो मेरा माइनस वी वन था अब वो क्या बन जाएगा? अचानक से प्लस वी वन बन जाएगा, सही है? यस सर. अच्छा अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पर? इसका वेलोसिटी ऊपर है और एक्सलेशन तो अभी भी नीचे है -10. तो इसका स्पीड स्लो डाउन होगा,
स्लो होते होते जीरो पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंच गया। अब जैसे ये तुम यहाँ पर पहुंच गए तो वापस से तुम वहीं पहुंच गए ना जहां से तुमने स्टार्ट किए थे, राइट? फिर से वो बॉल नीचे गिरेगा एंड सो ऑन, चीजें वैसे ही होते रहेगी रिपीट, ठीक है? हाँ सोनक सेम है। They are just planting lines and there's no connection between them. Yeah, there is no connection between them. ये हम लोग ऐसे real situation ऐसा नहीं होगा श्रुति, real situation में बाद में discuss करता हूँ। हम लोग यहाँ पर assume कर रहे हैं कि time of collision with the surface is zero, exactly zero, तब ये graph होगा अपना। लेकिन real life में ऐसा नहीं होता है। Collision जब जब भी ball टकराएगा floor से तो उस चीज को पहले एक बार सोचते हैं कि क्या होगा। Okay, हाँ देखो बॉल अगर फ्लोर से टकराएगा तो क्या होगा, पहले इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। ये बॉल आ रहा है, बॉल आया आया आया, बॉल हिट किया सरफेस को, सिचुएशन वन। अब यहाँ पर इसके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। यस सर। यहाँ तक आते आते वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी। यस सर। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद सिचुएशन क्या होगा बताओ एनीवन, क्या क्या होगा इसके बाद सिचुएशन? हाँ सोनक तुम भी बता सकते हो। बॉल वापस ऊपर जाएगा। उससे पहले वो तो सबको पता है, उससे पहले क्या होगा? एनर्जी लॉस। तो एनर्जी नहीं, हम लोग अज्यूम करें कि एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेट्स से। हाँ तो उसके बाद क्या होगा, मतलब बॉल जैसे हिट किया ग्राउंड को उसके बाद बॉल के साथ क्या होगा सर? वो मतलब सर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और सर एट अ पर्टिकुलर टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखो एक्चुअली क्या होगा, सही बोल रहे हो हिमांश, प्रथम नहीं डायरेक्टली नहीं, बीच का सिचुएशन हम लोगों को समझना है। तो यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी आया, अब ये बॉल ना थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा यहाँ पे, ये कॉम्प्रेस होगा थोड़ा सा, फिर और कॉम्प्रेस होगा, और कॉम्प्रेस होते होते एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका वेलोसिटी जीरो हो गया होगा। इस इंस्टेंट पे जितना भी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी था ना, जितना भी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी था वो सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कैसा पोटेंशियल एनर्जी? बट सर हाइट तो कुछ नहीं है। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी केवल हाइट के कारण नहीं होता है श्रुति। अगर तुम एक स्पॉन्ज बॉल लो श्रुति और उसको प्रेस करो तो क्या, जैसे ही तुम फोर्स हटाओगे तो क्या होगा, स्पंज बॉल रिलीज होगा अपने पोजीशन से? यस सर। वापस अपने पोजीशन में आएगा। तो बेसिकली जब तुम उसको अंदर कॉम्प्रेस कर रही हो तो तुम उसमें एनर्जी स्टोर कर रही हो, उस एनर्जी को भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह का होता है। ओके सर। तुम लोग बचपन में जो याद की हो, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, ये डेफिनेशन याद की हो? Yes, बट एक्चुअल में हमारे पास बहुत तरह के पोटेंशियल एनर्जी है। तुम लोग उस टाइम के लिए हम लोग बस MGH पढ़े थे, हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा, अभी वेलोसिटी जीरो हो गया, बॉल रुक जाएगा। अब देखो इसको उस बॉल की तरह ही देखो, वो क्या बोलते हैं उसको, स्माइली। अब स्माइली को कॉम्प्रेस हो चुका है स्माइली, तो ये स्माइली क्या करेगा, ये वापस ओपन होने का कोशिश करेगा, रिगेन इट्स पोजीशन। यस सर। तो ये बॉल वापस से थोड़ा सा ऊपर उठेगा ऐसा, सर तभी तभी स्माइल क्या 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 सर, कंप्रेस होने के बाद भी तो स्माइल करता कॉम्प्रेस होने के बाद भी स्माइल कर रहा है। अच्छा उसके बाद स्माइल करेगा, ठीक है।
ओके, अब वापस से ये अपना पोजीशन गेन करना चाहेगा, अब धीरे धीरे ये वेलोसिटी ऊपर की ओर गेन करेगा, और जैसे ही ये पूरा का पूरा अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पर जिस वेलोसिटी से हिट किया था ना, लेट्स से v1, ये वेलोसिटी v1 गेन कर लेगा और फिर ये अपने हाइट तक रीगेन पहुंच जाएगा। तो रियल लाइफ में ये सिचुएशन होगा ऐसा कुछ, ठीक है। बॉल ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो अगर तुम एक्चुअल ग्राफ देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो ये कुछ ऐसा होगा, वेलोसिटी बढ़ा यहां से यहां तक में वेलोसिटी बढ़ेगा। अब अच्छा, अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होते होते वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। बट ये प्रोसेस में जो टाइम है ना वो बहुत कम लगेगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ के बाद, वेलोसिटी जीरो हो गया, नेग्लिजिबल, बहुत कम टाइम में। अब फिर धीरे धीरे वेलोसिटी ऊपर पहुंच गया, ये वाला सिचुएशन में पहुंच गया। सर आप वापस बता सकते हो क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे थोड़ा नेट कनेक्शन। हाँ देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से यहाँ आने में, ये जो फर्स्ट पार्ट में लिखा हूँ, इस फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नहीं सर, यहाँ से यहाँ वाले सिचुएशन को, ये फर्स्ट पार्ट का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ वाले सिचुएशन को मैं सेकंड लिख रहा हूँ। तो सेकंड का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये मेरा वर्टिकल लाइन है डॉटेड, इससे थोड़ा सा स्लैंटिंग होगा, और देखो वेलोसिटी जीरो रीच कर गया, मतलब बहुत कम टाइम में उसका वेलोसिटी अचानक से कुछ वैल्यू से जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से यहां, ये मेरा थर्ड सिचुएशन है, ये सेकंड के लिए ग्राफ हो गया, थर्ड के लिए ये ग्राफ ऐसा पहुंच जाएगा, और इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर v1 हो चुका है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ये ब्लू कलर की लाइन परपेंडिकुलर होगी या थोड़ी सी हल्की सी, वो परपेंडिकुलर नहीं है बिल्कुल, वो हल्का सा स्लैंट है परपेंडिकुलर से, क्योंकि वो थोड़ा ना थोड़ा टाइम तो लगे, मतलब मैं रियल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो रियल लाइफ में जब भी कोलिजन होता है ना, तो वो जीरो टाइम नहीं लगता है, बट कुछ टाइम लगता है, लेट्स से 0.01 सेकंड या 0.5 सेकंड ऐसा कुछ, तो हम लोग उसको अगर इग्नोर नहीं करें तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा। फाइन सर, मतलब जब बॉल ऐसे दब रहा है और वेलोसिटी जीरो हो रही है, तभी मतलब वो सेकंड वाला बन रहा है क्या, सेकंड पार्ट? हाँ, सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है ना, ये वाला पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ए इस वाले फिगर को कोरिस्पोंड कर रहा है। ओके सर, ठीक है। अब वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो चुकी है, तो बॉल क्या होगा, अब धीरे धीरे वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या होगा इसके साथ? वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या होगा सर? तो बॉल नीचे आ जाएगा। बॉल नीचे, बॉल हमेशा वेलोसिटी, अगर एक मिनट वापस से एक चीज आओ, ये कार है, मैं आ रहा हूँ उस ग्राफ पे, इस कार का स्पीड है इधर की ओर 5 meter per second और एक्सेलेरेशन है पीछे की ओर 2 meter per second square। इस इंस्टेंट पे कार आगे जाएगा या पीछे जाएगा? इस इंस्टेंट पे आगे जाएगा। आगे जाएगा, आगे जाएगा। यस सर, आगे जाके कुछ आगे जाएगा कुछ डिस्टेंस। यस, इसका स्पीड जीरो होगा, फिर पीछे जाएगा अगर एक्सेलेरेशन कंटिन्यू किया पीछे लगना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, देखो बॉल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलेरेशन नीचे है, तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, रुकेगा, तो बेसिकली उसका स्पीड स्लो डाउन होगा, रुकेगा, और ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया। फील आया या नहीं आया? यस सर। अब वापस से हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए, तो वापस से मेरा ग्राफ रिपीट होते रहेगा, कोई दिक्कत? सर पर ये रियल लाइफ का है ना? हाँ, ये रियल लाइफ का। तो फिर सर उसकी जो वेलोसिटी है वो मतलब ऐसे, मतलब वो ग्राफ का थोड़ा कम कम होते जाएगा ना सर? रियल लाइफ में भी ऐसे, क्योंकि सर बॉल बाउंस होता है तो उसकी हाइट थोड़ी थोड़ी कम कम होती जाती है। हाँ, मतलब
वो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के बाद. एक्चुअली अगर मान लो तुम कि इलास्टिक कोलिजन है तो फिर हाइट कम नहीं होती है. कोलिजन तीन टाइप का होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर इलास्टिक कोलिजन होता है ना पूरा का पूरा, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ इस वाले स्टेप में, अगर ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना तो एनर्जी लॉस नहीं होता है और बॉल सेम हाइट तक राइज करेंगे. ओके सर. लेकिन रियल लाइफ में भी जब तुम बॉल ड्रॉप करोगे, देखो आप बॉल तुम ड्रॉप करोगे तो अलग अलग सिचुएशन होगा. तुम लोगों ने वो बॉल देखा होगा, एक रबड़ वाला बॉल छोटा सा. हाँ सर. क्या बोलते हैं उसको, बाउंसिंग बॉल, क्रेजी बॉल. क्रेजी बॉल, हाँ क्रेजी बॉल. क्रेजी बॉल को तुम ड्रॉप करो या कॉस्को बॉल को ड्रॉप करो, कौन ज्यादा बाउंस करेगा? क्रेजी बॉल. क्रेजी बॉल. अगर हम लोग क्रेजी बॉल को और इफिशियंट बनाए समहाउ तो क्या होगा, वो सेम हाइट तक बाउंस कर जाएगा अप्रोक्सीमेटली. तो वो मेरा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि किस चीज का मटेरियल का बना हुआ है और भी बहुत सारी चीज पर डिपेंड करता है. तो अभी मैं ऐसा सिचुएशन ले रहा हूँ कि बॉल अगर वापस अपने हाइट तक आ जा रहा तब का सिचुएशन है ये ग्राफ. ओके सर. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो हमारे पास अभी तक क्या, ठीक है तो अब तुम लोग ग्राफ प्लॉट कर लो. अब ग्राफ समझ में आ गया होगा. तो ग्राफ कैसा हुआ हम लोग का, स्पीड डिक्रीज करते गया, कुछ ऐसा ग्राफ. मैं छोटा बनाता हूँ थोड़ा. अगर हम लोग टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कोलिजन टाइम को नेग्लेक्ट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, वेलोसिटी टाइम. और अगर टाइम को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा. ठीक है, सबको फील आ गया है ना? Yes, sir. ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम बन गया तो स्पीड टाइम ही बना दो, अब आसान हो जाएगा. If duration of collision is neglected and if, okay, एक मिनट आ रहा हूँ. If duration of collision is not neglected. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या प्राची? Okay. Okay. Without any external force, Smiley will bounce for eternity. Pratham, अगर air resistance हटा दो और जब collision हो रहा है वहां पर बहुत efficient है तो फिर वो bounce करते रहेगा. स्पीड टाइम ग्राफ बना लो कॉरेस्पॉन्डिंग. अच्छा, स्पीड नेगेटिव होगा क्या? नो सर. तो बस क्या करना होगा मुझे स्पीड टाइम के लिए, जो भी चीज नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगा, उसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दूंगा, राइट? वेलोसिटी टाइम. बन गया स्पीड टाइम. ये कुछ ऐसा बनेगा, स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद स्पीड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोलिजन वाले टाइम को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ अभी, तो हम लोग का ग्राफ ऐसा कुछ होगा. कोलिजन को सब कुछ, सब सारी चीज को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा स्पीड बढ़ते बढ़ते कुछ हुआ वैल्यू, फिर उसके बाद अचानक से
उसका स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाएगा एंड सो ऑन. ये ग्राफ फील आ रहा है या नहीं? यस सर. ठीक है. और रियल लाइफ में कैसा होगा स्पीड टाइम? रियल लाइफ में नहीं, मान लो अगर कम बाउंस कर रहा है तो फिर स्पीड टाइम ग्राफ ग्राफ कैसा होगा? मतलब मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, बॉल ड्रॉप किया, ऐसा बाउंस किया, ऐसा बाउंस किया, तो मेरा स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? So every time maximum speed will be lesser. Every time maximum speed will be lesser. Okay. Nature plot kar do Shruti. ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा बढ़ेगा. अब यहां तक बॉल पहुंचा, अब जो बॉल बाउंस करेगा ना वो उस स्पीड से नहीं बाउंस करेगा, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ आएगा, फिर स्पीड ऊपर जाएगा. ये एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ. अगर नहीं समझ बीच में जो स्पेस है ये छोड़ सकते हैं. हाँ, एक्चुअली हम लोग ऐसे डॉटेड बना देते हैं, ये रियल लाइफ नहीं होगा अगेन. देखो यहाँ भी हम लोग डॉटेड बनाए ना ग्रीन वाले में. तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका स्पीड टाइम ग्राफ. ऊपर क्या है? ऊपर स्पीड टाइम ग्राफ है अगर पार्टिकल सेम हाइट तक बाउंस करे, जो मैं क्वेश्चन दिया था तुमको कल होमवर्क में, अगर सेम टाइम सेम हाइट तक बाउंस करे तब. सर और ये नीचे वाले ग्राफ में क्या लिखना है? ये पार्टिकल बाउंस है कौन से हाइट? इफ ऐसा लिख लो, इफ कोलिजन इज नॉट इलास्टिक, हम नॉट इफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच कोलिजन, इफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच कोलिजन, और ब्रैकेट में लिख दो इन इलास्टिक कोलिजन, तो फिर हमारा ये ग्राफ बनेगा. और नीचे वाला ग्राफ समझो एक बार खुद से कि समझ में आया या नहीं आया, ऐसा ग्राफ होगा या नहीं होगा. सर, रेड में जो ग्राफ बना है वो इन इलास्टिक है ना? हाँ, रेड में जो ग्राफ है वो इन इलास्टिक है. अरे रे, प्रथम इनइलास्टिक मतलब अगर एनर्जी लॉस होता है ना तो उस कोलिजन को हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. सेकंड ग्राफ फील आया या नहीं आया? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने वो भी दिया था क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम को प्लॉट, किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो ये पहले. सर एक बार बता दीजिए. ओके. ये देखो मेरा बॉल यहाँ से फॉल किया, तो जब तक नीचे फॉल करेगा तब तक उसका स्पीड इंक्रीज करेगा. मैं स्पीड का बात कर रहा हूँ, तो स्पीड इंक्रीज किया तो मेरा ये वाला ग्राफ होगा ये. ठीक है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है. हाँ सर. अच्छा, अब जैसे ही कोलिजन होगा, मान लो ये 10 से हिट किया तो ये बाउंस किससे करेगा? 10 से कम से करेगा? हाँ सर. 10 से कुछ भी कम हो सकता है, तो उसका स्पीड मान लो ये फाइन या इस स्पीड से हिट किया तो उसे कुछ कम स्पीड से बाउंस करेगा, और मैं टाइम ऑफ कोलिजन को जीरो मान रहा हूं.
ठीक है हाँ. तो वो कुछ उसके कम स्पीड से स्टार्ट किया, अब ऊपर जाएगा ये और रुक जाएगा कहीं पे, तो उसका वेलोसिटी या फिर स्पीड उसका डिक्रीज होते गया और जीरो हो गया, राइट right? हाँ सर सर. फिर ये नीचे आएगा तो इसका स्पीड इंक्रीज करेगा, फिर हिट कर देगा, फिर जब हिट करेगा तो कम स्पीड से राइज करेगा, तो फिर कम स्पीड से राइज किया, ठीक है ना? हाँ सर सर. अगर टाइम ऑफ कोलिजन जीरो नहीं होता तो कैसा बनता? ठीक है चलो एक बार सोचो, टाइम ऑफ कोलिजन जीरो नहीं होता तो कैसा बनता, इस चीज को ध्यान में रखना तो तुमसे बन जाएगा ये. इस ये जो बॉल वाला मैं बताया हूँ ना, पोटेंशियल एनर्जी वाला, ए वाला पॉइंट, इस चीज को सोच के एक बार ये ग्राफ बनाओ, स्पीड टाइम ग्राफ, अगर टाइम ऑफ कोलिजन को हम लोग कंसिडरेबल मानते हैं तो. वी का साइज बड़ा हो जाता नहीं, प्रथम वी का साइज बड़ा नहीं होता, कुछ ऐसा बनता. सर वो जो V के जो आर्म्स हैं वो X एक्सिस की तरफ थोड़ी वो हो जाते हैं ना. नहीं ये तो ठीक है. हाँ ये जो सीधा था ना वो अचानक से ऐसे बाउंस करके ऐसा आ जाता, फिर ये ऐसा होता, फिर ये अचानक से बाउंस करके ऐसा आता, फिर ऐसा होता, फिर अचानक से बाउंस करके ऊपर आता. ये फील करो एक बार. सर ये नहीं समझा. ओके देखो वापस से उस सिचुएशन को एनालाइज करो. बॉल यहाँ तक तो ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है. यस सर. आई थिंक ये वाला पार्ट भी क्लियर है, ये वाला पार्ट भी क्लियर है, उसके बीच वाला पार्ट मुश्किल हो रहा है, राइट? यस सर. यस सर. वो ग्रीन वाला तो वैसा ही है जैसा पहले था. अब इस एक बार सोचो यार, खुद से आसान है. उस चीज को सोचो, बॉल को हिट किया, बॉल का शेप थोड़ा चेंज हुआ, बॉल पूरा रुक गया, फिर बॉल रिबाउंड करने की कोशिश किया, फिर बॉल वेलोसिटी गेन किया, वेलोसिटी जीरो हो गया. इस चीज को सोचो. देखो बॉल हिट किया, तो बॉल हिट किया किस स्पीड से? ये वाले स्पीड से, ये जो ब्लैक डॉट बनाया, राइट? अब बहुत छोटे से टाइम में बॉल का यहां से यहां, इसको मैं सेकंड डिनोट कर रहा हूं, तो बहुत छोटे से टाइम में बॉल का स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज होके जीरो हो गया, सेकंड पार्ट, राइट? फिर यहां से यहां में देखो, थर्ड पार्ट, बॉल का स्पीड इंक्रीज होके कहां पहुंच गया? बहुत ज्यादा पहुंच गया, मतलब वापस से अगर ये V1 पे था तो ये V2 पे पहुंच गया, एंड V2 इज लेस देन V1, तो ये कहां पहुंच गया? V2 पे पहुंच गया थोड़े से टाइम में. अभी फील आया? यस यस सर. कोई ऐसा जिसको नहीं फील आया ये ग्राफ? सर ना प्रथम, हां प्रथम एक बार वापस थोड़ा सा बता दो. ठीक है देखो, जैसे बॉल ग्राउंड को हिट करेगा ना, तो ग्राउंड को हिट करने के बाद क्या होगा? वो स्लो डाउन होगा. हाँ सर. स्लो डाउन होते हो तो इसका स्पीड जीरो होगा. हाँ सर. तो देखो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट स्लो डाउन हुआ, इसका स्पीड जीरो हो गया. इसमें टाइम कितना लगेगा? कितना टाइम लगता है बॉल, कितने टाइम के लिए कोलिजन होता है? नेग्लिजिबल. जैसे बॉल को तुम अगर गिराते हो तो सरफेस से कांटेक्ट में कितने देर के लिए रहता है? बहुत कम. बहुत कम, कम. तो बहुत कम टाइम में यहाँ से यहाँ वाला जो सिचुएशन है बॉल का, ये पूरा का पूरा सिचुएशन कितने टाइम में हुआ है? बहुत कम टाइम में. यस. तो बहुत कम टाइम में क्या क्या हुआ है? बॉल इसका स्पीड अभी भी इसका स्पीड कुछ होगा वेलोसिटी, फिर जीरो हो गया, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर वेलोसिटी गेन कर लिया. तो बहुत कम टाइम में मेरा ये सारे सिचुएशन हो गए हैं, राइट? तो अब समझ में आया? हाँ सर. ये ब्लू लाइन परपेंडिकुलर नहीं रहेगी ना? नहीं वो स्लैंटिंग है हल्का सा. ओ सर, तो फिर वो ब्लू लाइन ऐसे कैसे टेढ़े मेढ़े बन रहा है? अरे मतलब एकदम परफेक्ट ग्राफ नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ. ये है,
फिर उसके यहाँ से ऐसे अचानक से गिरेगा, फिर ऐसे राइज करेगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसे अचानक से गिरेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ओके सर। राइट, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां पर सरफेस को हिट कर रहा है या फिर जहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे है? सर कौन सा वाला? ये जो मैं ब्लैक सर्कल किया हूँ, हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। डन? यस। एक सेकंड नोट करना है। ओके, ये हम लोग का स्पीड टाइम है, ध्यान देना। प्रसन्ना CA2 में, प्रसन्ना मुझे याद नहीं है, हाँ मुझे भेज देना प्रसन्ना, एक दो क्वेश्चन अगर देखा तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया सबका? अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ, एक मिनट, एक ये बता दो कि कौन कौन सा ग्राफ इसमें पॉसिबल है। क्या हम लोग का ये ग्राफ पॉसिबल है, XT ग्राफ, ऐसा हो सकता है क्या? XT ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ पोजीशन, x यहाँ पर x पोजीशन है, नहीं तो पोजीशन टाइम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक ही टाइम पे दो जगह थे, एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन आ रहा है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता है। ये NCERT का क्वेश्चन है तुम्हारा, ऐसा हो सकता है क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ? नो। दिल्ली में भी हो और मुंबई में भी हो, ऐसा पॉसिबल है? तो ये ग्राफ हम लोग का पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला भी सेम वही बोल दो कि एक ही टाइम पे तुम्हारा दो, दूसरा वाला होना चाहिए पॉसिबल, बताऊं क्यों? क्यों सर? डीटी टाइम के लिए आप अगर समझ लीजिए डीटी टाइम है, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है, उस पे जैसे हम लोग ने बॉल को नीचे फेंका तो बॉल बाउंस बैक हुई, वो डीटी टाइम वैसे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऑफ अ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि वेलोसिटी जस्ट चेंज हुई हो। लेकिन ये जस्ट चेंज नहीं हुआ ना, यहां पे कंटीन्यूअस है कर्व, हां सर ब्रेक नहीं हो रहा है, कर्व कंटिन्यूअस है। अगर वो एक ब्रेक कर्व होता तो फिर बन जाता, लेकिन ब्रेक होता तो बन जाता, लेकिन कंटिन्यूअस कर्व है तो एक टाइम पे दो अलग-अलग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। मतलब सर हेक्सागन होता तो बन जाता ना, हेक्सागन होता तो भी नहीं बनता ना, कैसे होता सर? हां सर बराबर, ये भी नहीं हो सकता था ना, लॉजिक तो सेम ही है। कर्व कैसे ब्रेक कर, वो बोल रहा है कि अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता, मतलब ऐसा भी नहीं है सर, ये है ना, तो तुम परफेक्ट इसको मैच करो कि अचानक से वेलोसिटी ड्रॉप करके यहाँ हो गया ऐसा। देखो अगर बहुत कम कम टाइम के लिए तो अप्रोक्सीमेटली एक सर्किल जैसा दिखेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है सोना। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या स्पीड टाइम ग्राफ, ऐसा हो सकता है स्पीड टाइम? नो सर, स्पीड तो नेगेटिव ही नहीं हो सकता। ये भी नहीं, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या पाथ लेंथ? नहीं सर, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है, टोटल पाथ लेंथ में डिक्रीज नहीं कर सकता है। एक मिनट आर्यन, हाँ आर्यन क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, एसटी ग्राफ का क्वेश्चन, ओके ठीक है।
अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर थे कि यार बॉल को हमने ड्रॉप किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ बनाना है. बॉल को जब हमने कुछ हाइट से ड्रॉप किया, सिचुएशन ऐसा है, ये किसी को ड्रॉ करना है क्या या हो गया? Yes. सर ये जरूरी है ड्रॉ करना? नहीं नहीं नहीं, ये बस एनसीईआरटी का था इसलिए मैं डिस्कस कर दिया थोड़ा सा. मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा तो तुम्हारे पास रहेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हम लोग यहाँ पर थे कि बॉल को मैं ड्रॉप किया, बॉल कुछ बाउंस किया ऐसा बाउंस करते करते और बॉल रुक गया. ये जो मैं ऐसे ये एक ही जगह पे बाउंस कर रहा है, ठीक है, मैं एक ही जगह पे नहीं दिखा के, एक्चुअल सिचुएशन ऐसा है कि ये नीचे बाउंस गया, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, इस चीज को मैं ऐसा दिखाया हूँ. तो इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है. कैसा बनेगा? हाँ इस हाइट को तुम एस, इस हाइट को ना एस जीरो मानना, इस हाइट को ओरिजिन लेके चलना. यस आर्यन ऑन सेम प्लेस, वो बाउंस कर रहा है बार बार. ग्राफ विल बी लाइक वेव. वेव मतलब क्या प्रथम? चलो मैं ऐसे सिचुएशन बताते हैं तो ग्राफ किधर बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट? एसटी फर्स्ट ओरिजिन मुझे यहाँ, मैंने यहाँ बनाया है, वो ध्यान देना ओरिजिन ऊपर है. हाँ ओरिजिन ऊपर है. फोर्थ फर्स्ट या फोर्थ? फोर्थ फर्स्ट 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 क्यों श्रुति? प्रथमेश फर्स्ट क्यों? हाँ श्रुति ऊपर की तरफ हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट ऊपर कैसे हो रहा है? मैं बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ तो बॉल तो नीचे जाएगा ना श्रुति? यस बॉल तो नीचे जाएगा ना. हाँ प्रथमेश yes, तुम्हारा फर्स्ट क्यों? सर अभी अगर हमने मतलब नेगेटिव में भी अगर नीचे भी साइन होगी तो भी हम वो मतलब वो ड्रॉ जो ग्राफ है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे ना ऊपर से मतलब आप कैसे समझो वो थोड़ा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम लोग साइन के साथ लेंगे ना प्रथमेश. ओके सर. हाँ आर्यन ठीक है. तो देखो बॉल नीचे जाएगा तो मेरा एस निगेटिव होने वाला है, राइट? तो एस निगेटिव होगा और टाइम तो पॉजिटिव ही होगा. तो एस निगेटिव टाइम पॉजिटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. यस. अच्छा आप कैसा होगा? ए बी या सी? यहां से यहाँ का फर्स्ट पार्ट का रेड वाले पार्ट का ए बी या सी कौन सा कर्व होगा? बी. एक आंसर आया ए ए ए ए. सी तो नहीं होगा. ए ए सी कांस्टेंट के होता है. कांस्टेंट के होता है क्या? क्या वेलोसिटी? चलो वेलोसिटी टाइम में ग्राफ देखो कैसा था. ऐसा था. अब सोचो कैसा होगा ए एस बी. ए ए सबको फील आ गया ए? यस सर. अच्छा अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ग्राफ एक बार यहां पे रिपीट कर दो सर. क्या 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 ऊपर का पॉइंट तक चला गया सर, रिपीट कर दो. हाँ तो अब क्या होगा? ऊपर बाउंस किया तो मेरा एस डिक्रीज करेगा तो मेरा एस बी होगा. ए मतलब बी या सी?
बी या सी? बी 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 सबका सबका बी आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ से मेरा ग्राफ बी वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद ये बाउंस नीचे जा रहा है, अब कौन सा होगा, सी या डी? डी। अच्छा अच्छा, दो दो तीन चीज है, सी डी ई एफ कौन सा होगा? या फिर ये डॉटेड लाइन के नीचे तक जाएगा? एफ एफ तो ई ई ई ई होगा सर, एफ तो नहीं होगा, एफ का इंग्लिश नहीं होगा। एक मिनट, एफ क्यों नहीं होगा? चलो मैं ऑप्शंस कट आउट करता हूँ यार। ये वापस जमीन तक आ गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वापस सेम हो गया, तो मेरा ये दोनों ऑप्शन तो कोई काम का ही नहीं है, सी और डी। ये फील आ रहा है क्या? वापस से तुम ग्राउंड पे पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए इस पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वापस से उतना ही हो गया जितना पहले था इस पॉइंट पे। तो तुम्हारा आइदर ई या एफ होगा। yes. अब ई होगा या एफ होगा? ई ई सर। क्यों सर? एफ तो इंग्लिश के लिए होगा ना सर? नहीं समझा सर, एफ होगा ना सर? यार यार एक मिनट एक मिनट, जब फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो यहाँ पे क्यों दिक्कत हो रहा है? क्या ये फर्स्ट पार्ट की जैसा है? बिल्कुल देखो तो सेम जैसा है फर्स्ट पार्ट जैसा। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, इनिशियल स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, सेम चीज है ना वो फर्स्ट पार्ट जैसा। यस सर। तो अपना ग्राफ ऐसा हो जाएगा एंड सो ऑन, नेक्स्ट टाइम ऐसा बाउंस करेगा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम। फील आया या नहीं आया? यस सर। ये नोट कर लो। हाँ प्रथमेश, प्रथमेश तुमको भी मैं आवाज से पहचान गया। वापस एक बार बता सकते हो? हाँ सर, वो पहला वाला ग्राफ भी नहीं समझा, ओरिजिन के नीचे क्यों है? ओरिजिन के नीचे क्यों है? ओके स्टार्टिंग से देखते हैं। मैंने ओरिजिन यहाँ माना है टॉप मोस्ट पॉइंट को। अब देखो बॉल जब नीचे आएगा तो तुम्हारा, इसको मैं ओरिजिन माना हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट को, तो बॉल नीचे आएगा तो एस क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। किसका डाउट था? हाँ मेरा। हाँ नवीन, एस नेगेटिव होगा? नहीं सर, वो ओरिजिन ऊपर क्यों लिया मैं, कोई नहीं। अच्छा तो तुम ओरिजिन कहाँ लेना चाहते हो बताओ? सर जैसा नॉर्मली लेते ओरिजिन, अगर तुम नीचे ले लोगे यहाँ पे, अगर तुम ओरिजिन यहाँ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बात सेम है, वो ओरिजिन शिफ्टिंग है, ओरिजिन शिफ्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। बट जनरली हम लोग जो बुक में दिया होता है ना, वो ओरिजिन हाईएस्ट पॉइंट को लिया होता है। तो क्योंकि बॉल उधर से गिर रहा है तो इसलिए ओरिजिन ऐसा। हाँ उसको हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं। हाँ आर्यन तुम क्या बोल रहे हो, लास्ट में ग्राफ कैसा होगा? मतलब सर, मतलब आपने बोला ना इसका मतलब हाफ हाफ होता जाएगा हाइट हर बार, तो फिर उसमें हाफ नहीं होता जाएगा। मैं हाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ऐसे नेचर प्लॉट किया हूँ आर्यन। मैं हाफ नहीं बोला। उसमें लास्ट में कैसा होगा ग्राफ? लास्ट में वो खत्म धीरे धीरे करके वो इनफाइनाइट जीपी जैसा फिर फ्लैट हो जाएगा, हम लोग एज्यूम कर लेंगे फ्लैट हो गया, इनफाइनाइट तक चलेगा वो, ऐसे ये ऐसा ऐसा होते जाएगा, ऐसा ऐसा होते जाएगा। बी के बाद बता सकते हो वहाँ पर? हाँ मैं पूरा बता रहा हूँ। वाईफाई चला गया था। हाँ अब देखो यहाँ से नीचे गिरा तो मेरा एस बढ़ा लेकिन निगेटिव में बढ़ा, राइट? और मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो मेरा वेलोसिटी पहले कम है बाद में ज्यादा हो रहा है निगेटिव में, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होता है?
कल हम लोग देखे थे, ये वाला होता है राइट। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम को फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कोलिजन कैसा है, मतलब कोलिजन कैसा है, मतलब कोलिजन में टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि अभी भी डिस्प्लेसमेंट तो चेंज कर नहीं रहा है। अगर तुम टाइम ले भी लो तो तुम थोड़ा सा इसको ग्राफ ऐसा शिफ्ट कर सकते हो और कुछ नहीं। अब ये बॉल ऊपर जाएगा, मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा है फिर वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बाद में वेलोसिटी जीरो, बाद में स्लोप जीरो होगा एक्स टी का, राइट प्रथमेश? देखो यहाँ से जब राइज करेगा, जैसे मान लो तुम ये हिट किए तो क्या होगा, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से तुम हिट किए, तुम 8 से गए और जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाओगे तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ओके सर, हाँ 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 सर, समझा सर। तो भाई हाँ प्रसन्ना क्या बोल रहे हो? हाँ प्रसन्ना, अगर आप वैसे वाले ग्राफ्स करोगे तो सीएटू में ऐसे कैलकुलेशंस वगैरह टाइप। कैलकुलस वाला अभी नहीं कराऊंगा प्रसन्ना, कैलकुलस अभी ये लोग का कैलकुलस वाला पार्ट हुआ नहीं है अभी। हां सर, तो मैं लीव करूं। ठीक है ओके, थैंक यू सर। हां तो ये हम लोग का हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम। सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि रीबाउंड सेम हाइट का होगा, तो ये ग्राफ उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना? नहीं, रीबाउंड अगर सेम हाइट तक का होगा तो तुम्हारा ये जो ये ऊपर तक टच करेगा बार बार, मिताली ऐसा, मिताली या श्रुति जो इसका भी है, हाँ श्रुति, तो अगर सेम हाइट तक बाउंस करेगा ना तो ये पूरा ऊपर तक जाएगा। ओके सर। ठीक सर। हाँ सर, अगर किसी ने तो पूछा था ना ओरिजिन अगर नीचे लेते तो फिर भी चलता क्या? हाँ मिताली वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुमको क्या करना है, बेस्ट ऑफ द फोर ऑप्शन तुमको सेलेक्ट करना है राइट, तो उसमें तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको ग्राफ का नेचर बस देखो, आंसर वो होगा। ओके सर। ठीक है, बट हमारा कन्वेंशन ये है कि हम लोग जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं ना वहाँ उसको तो हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब कुछ देख लेते हैं। तुम वो भी ध्यान दी होगी कि जब मैंने बॉल को हाइट से हाइट ऑफ टावर से ड्रॉप किया था तो मैंने मान लो 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया तो मैंने एस को -100 लिया था क्या? यस सर, माइनस लिया था। माइनस क्यों लिया था? क्योंकि मैं इसको ओरिजिन माना था, तभी माइनस होगा ना। ठीक है, तो हम लोग का बाई कन्वेंशन ऐसा है, जरूरी नहीं है, जैसे जी का वैल्यू हम लोग -9.8 लेते हैं राइट, अगर तुम 9.8 लोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा क्या? नो सर। बस तुम अगर तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो सब चीज को पॉजिटिव मानो नीचे की तरफ, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर किसका आता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक है, और जिन्होंने कर रखा होगा वो लोग आंसर नहीं देंगे। किया है सर, स्कूल में करा है। Yeah, okay, अगर तुम कर चुके तो आंसर नहीं बोलना, फिर से एक बार कर लो, तुम इसका XT ग्राफ कर लो, जो कर चुके हो वो इसका XT ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है सर। सर वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, फॉल इन पिट 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 PIT। ओके सर, पिट। हाँ
नहीं स्विथ रिवीजन नहीं करा रहे हम लोग मंडे को अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल ओके अश्वित तो मेरे को रिकॉर्डिंग देख लेना मतलब कुछ नया हम लोग वो नहीं किए बस पिछला वाला ही कंटिन्यू कर रहा है जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है वो प्लॉट करेंगे एक्स टी कर्व लास्ट इस वीक हम लोग का लेक्चर 4 और 5 हुआ है अश्वित प्रथम आफ्टर 6 स्टेप मतलब ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट में शायद अपना क्लास नहीं हुआ था अश्वित डिपेंड 52 सेकेंड ये कितना 13 है ना डिपेंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं आर्या नहीं प्रथमे सही है प्रथमे रुक जाना अभी बताना मत ईशान नहीं श्रेयस नहीं और देखो ऐसा अज्यूम करना है कि जैसे प्रथम नहीं जैसे मान लो 2 मीटर पे अगर वो डिच पिट होता 2 मीटर नहीं पहला में कितना ट्रेवल कर रहा है वो 5 स्टेप्स लेना है ना मान लो 5 मीटर पे वो पिट होता तो अज्यूम करना है कि जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा 5 मीटर पे वो गिर जाएगा ठीक है प्राची सही है आर्यन नहीं आर्या नहीं वेदांत नहीं वेदांत अभी भी नहीं सिद्धार्थ नहीं और एक और किसी का आंसर है दीपक नहीं अनमोल नहीं ठीक है एक और आंसर सही आया है प्रथम नहीं आर्या सही है सर 29 नहीं है नहीं 29 नहीं है आंसर 37 है चलो देखते हैं देखो सिचुएशन क्या हो रहा है ये जो ड्रंकार्ड है वो 5 स्टेप आगे जा रहा है 5 स्टेप मतलब 5 मीटर आगे जा रहा है और 3 मीटर पीछे आ रहा है तो इफेक्टिवली वो कितना आगे गया 2 मीटर यस यस ओके तो ऐसा मान लो 4 बार किया इसने तो 4 बार किया तो वो कहां पर पहुंच जाएगा 8 मीटर पे 8 मीटर यस सर यस सर और अब जब ये 5 मीटर आगे ट्रैवल करेगा तो क्या होगा ये 13 में पहुंच गया हां सर
सर मेरा वो आंसर 37 आ रहा है, गलती से हो गया। हाँ तो चार बार ये प्रोसेस हुआ है। आप एक बार वापस बोलोगे? ओके आप एक बार देखो मेरा हाँ। थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है इसलिए। ओके 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 ये देखो पहली बार इसने 5 मीटर ट्रैवल किया, उसके बाद वो 3 मीटर वापस आया। इफेक्टिवली एट द एंड ऑफ 8 सेकंड, एट द एंड ऑफ 8 सेकंड वो कहां पर है? 2 मीटर पर, राइट? यस सर। तो एट द एंड ऑफ 16 सेकंड कहां पर होगा वो? 4 मीटर पर। 24 सेकंड वो कहां पर होगा? 6 मीटर पर। 32 सेकंड वो कहां पर होगा? 8 मीटर पर। 8 मीटर। हाँ अब 32 सेकंड के बाद अगर ये 5 मीटर और ट्रैवल किया, अभी अभी देखो अभी इसका टर्न कितना है 5 मीटर ट्रैवल करने का, तो ये कहां पहुंच जाएगा? 13 और ये वो गिर जाएगा नीचे। यस तो इसको कितना टाइम लगेगा? 32 प्लस 5 दैट इज 37 सेकंड, तो ये 37 सेकंड में फॉल कर जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ एक बार सेम क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना। ग्राफ से तुमको xt ग्राफ प्लॉट करना है और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लॉट xt ग्राफ फॉर द सेम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ना? हाँ 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 कैसे करेंगे? ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से एट द एंड ऑफ 5, मेरा पहला 5 सेकंड का है तो 5 सेकंड पे वो कहाँ पर होगा? 5 मीटर पे। 5 पे उसके बाद इन द नेक्स्ट 3 सेकंड वो पीछे आएगा। यस सर। तो ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा? 2 पे। 2 पे। यस सर। हां यहां तक सबका सही है? यस सर। फिर अब वो आगे मूव करेगा, तो आगे मूव करेगा तो कितने टाइम के लिए आगे मूव करेगा? 5 सेकंड के लिए। और ये पहुंच कहां पर जाएगा? 7 पे।
राइट। अब जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि क्या इन दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा, दोनों रेड वाले का। दोनों रेड वाले का स्लोप सेम होगा? नहीं सर। या नहीं होगा? यस सर। होगा सेम, होगा ना, स्पीड सेम है तो स्लोप सेम होगा दोनों का। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम लोग स्लोप अप्रोक्सीमेटली सेम बनाए। अब क्या होगा, अब इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड ये वापस आएगा, मतलब ये 16 सेकेंड पे 7-3 दैट इज 4 पे आ जाएगा, राइट right? तो ये वापस से कहाँ पहुंच जाएगा, 4 पे पहुंच गया। नेक्स्ट क्या होगा, मतलब एंड सो ऑन, ग्राफ अपना बढ़ते जाएगा ऊपर। तो मैं ऐसे ऊपर ऐसे ही बना देता हूँ। यस सर, और 13 पे जाके रुक जाएगा। सर वो तो स्केल के हिसाब से होगा ना। प्रथम क्या सर, वो स्लोप वाला? हाँ मतलब हम लोग रफ स्केच बना रहे हैं। अगेन स्कूल में आएगा तब तुम स्केल से ऐसा अज्यूम कर लेना कि ठीक है पैरेलल पैरेलल ले जाके अप्रोक्सीमेटली वो करना। तुमसे उतना ध्यान से नहीं कोई पूछता है। तो ये 4 पर था और 5 मीटर ट्रेवल करेगा, तो ये 9 पे पहुंच जाएगा। यस सर। फिर ये वापस 3 सेकेंड के लिए आएगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 6 पे। और टाइम कितना हो गया, 24। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये ऊपर कितना जाएगा, 6 पे था, 6+5 11 पे, और ये वापस 3 आएगा, मतलब 8 पे पहुंच जाएगा। yes, sir. 29, 32 पे, ये 8 पे है। देखो अभी तक 13 नहीं पहुंचा है। अब मैं क्या करूंगा कि 13 पे मुझे गिरा देना है इसको, तो 13 पे मैं एक लाइन खींच दूंगा। अब देखो 32 के बाद ये 5 सेकेंड्स ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 13 पे पहुंच जाएगा, तो गिर गया। तो ग्राफ से मुझे ऐसा सॉल्व करना होगा। yes, ये फील आया सर? और एक बार समझाओ। कहाँ से, स्टार्टिंग से? प्रथमेश तुम्हारा आवाज पूरा ब्रेक हो रहा है। सर यहाँ पे नेट का इश्यू है, इसलिए थोड़ा एक बार और समझाना। देखो तुम सोचते जाओ नॉर्मली, ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है। नॉर्मली सोचो तुम 5 मीटर आगे गए, फिर 3 मीटर पीछे आए, फिर 5 मीटर आगे गए, फिर 3 मीटर पीछे आए, एंड सो ऑन। उसका तुम ग्राफ बनाओ और 13 मीटर पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो। तुम जैसे ही 13 मीटर पहुंचोगे तुम उस पिट में गिर जाओगे, मतलब वो उस पिट में गिर जाएगा ड्रंक कार्ड। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन दे देंगे। तुम्हारा ग्राफ बनाना काफी सिंपल होगा ये वाला। हाँ इसमें सबको समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट? नो सर। सर 11 सेकंड वाला बताओ ना। 11 सेकंड नहीं, 11 मीटर। 11 मीटर ओके। अभी देखो ये 24 सेकंड पे वो 6 मीटर पे है राइट? यस सर। अब इसको 5 मीटर आगे जाना है, तो 6 पे है, 5 मीटर आगे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? 11। तो 11 पे पहुंचा, और टाइम कितना हो जाएगा, 24+5 29 सेकेंड? यस सर। अब 11 पे 3 मीटर वापस आएगा, अब तो 3 मीटर वापस आएगा तो कहाँ पहुंचेगा? 8 पे, और टाइम हो गया 29+3 32। ये ठीक है? यस सर। अब हर 8 पे है, अब 5 मीटर आगे जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 13। बस 13 पे गिर गया। ओके सर, थैंक यू। हाँ अब तुम लोग को जो कल मैं होमवर्क दिया था उसमें डाउट्स बता दो।
नाइन्थ क्वेश्चन आदित्य, नाइन्थ क्वेश्चन लेक्चर 1-5 वाले का, लेक्चर 5 वाले का लेक्चर 5 नाइन्थ लेक्चर 5 का है। यस सर, लेक्चर 5 का नाइन्थ। लेक्चर 5 का नाइन्थ ओके। लेक्चर 5 क्वेश्चन 6C ओके। अब पहले नाइन्थ पे आते हैं। फिगर शोज़ ए ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए मॉडल रेल कोड रेल रोड लोकोमोटिव मूविंग एट द एक्स एक्सिस। ग्राफ इट्स वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट एट द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है ये चलो देखते हैं एक बार, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, लेक्चर 5 क्वेश्चन 9। मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और मुझे वीटी ग्राफ पूछता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, किसका किसका डाउट है ये क्वेश्चन? मिताली एंड एक और किसी का था ना, आदित्य। हाँ आदित्य, तुम दोनों ही सॉल्व करोगे इसको। 5, 2, 15, 25 प्रथम तुम्हारा भी है, ठीक है। 35, 40 और ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है -2। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। और मुझे दिया हुआ है कि एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 था, तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? 0। 0 से स्टार्ट होगा। यस सर। ठीक है, अब 0 से 5 के बीच के इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 0 से 5 के इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया अंडर द कर्व, दैट इज 5 × 2 = 10। तो मतलब मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होके कहाँ पहुंच जाएगा? 10 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट 5 से 15 में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसा हो गया। 15 से 25 में चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 4। 4 क्यों? 20 -20 नीचे है ना? हाँ वही -20। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर -20 का है तो हम लोग का वेलोसिटी कहाँ पहुंच जाएगा? -10। तो हम लोग का जो एट द एंड ऑफ 25th सेकेंड मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -10। नेक्स्ट 25 से 35 कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट -10 पे। नेक्स्ट 35 to 40 +10 का चेंज होगा तो मेरा वेलोसिटी कहाँ पहुंच जाएगा? 0 वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा ना? यस सर। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? नो सर, समझ में। हाँ प्रथम एंड आदित्य क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर, एक बार ये आप रिपीट कर दो सर, वो लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला पार्ट ये 35 to 40, ये देखो इसका एरिया कितना है। बेस है 5 और हाइट है 2, तो एरिया है +10। अब मेरा यहाँ पर वेलोसिटी था -10 और मेरा 10 का इंक्रीज हुआ, तो -10 + 10 कितना हो गया? ओके रेंजो जस्ट है, -10 + 10 कितना हो गया? 0 हो गया, राइट? हम लोग 0 पे पहुंच गए। ओके रेंजो, वो 15 वाला रिपीट कर दो ना। 15 वाला, हाँ
ये देखो रेंजो, इसमें चेंज इन एरिया कितना हुआ, मतलब एरिया कितना है, बेस इज 10, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20 होगा ना? हाँ सर। हाँ तो माइनस 20 हुआ, तुम्हारा पहले से स्पीड कितना था, प्लस 10। समझ गया। और चेंज इन वेलोसिटी। हाँ नेक्स्ट तुमको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा एक बार प्लॉट करो। पहला वाला कौन सा नेचर होगा, ए बी पहला वाला कौन सा होगा, ए बी सी डी ई या फिर एफ? हाँ कौन सा होगा सबसे पहले, ए बी सी या डी ई एफ में से कौन सा? सर ए होगा शायद। और किसी का? बी होगा। बी होगा, बी होगा ना यार, पहले वेलोसिटी कम है बाद में वेलोसिटी ज्यादा है, तो तुम्हारा स्लोप इंक्रीज करना चाहिए ना ऐसा। ठीक है श्रुति, श्रुति श्रुति तुम्हारा था ठीक? नहीं सर मेरा, मिताली। हाँ मिताली, ठीक है मिताली, ये समझ में आया, दोनों का आवाज पता नहीं मुझे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। ओके हाँ सर समझा। ठीक है तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकंड हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 10, 25 पे हम लोग पहुंच जाएंगे राइट? यस सर। 5 से 15 के लिए ग्राफ कैसा होगा? सी सी होगा सर, कांस्टेंट। अच्छा और इसका एरिया कितना है, 10 10 या 100, तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, 25 पे हैं और 125। ईशान डीपी तो मस्त लगा रखे हो। ठीक है 125 पहुंच गया। इसके बाद क्या होगा? अच्छा ये वाला टाइम क्या होगा, ये वाला टाइम कौन सा होगा, ग्रीन डॉट वैल्यू 20 सेकंड होगा क्या? ये वाला पॉइंट 20 सेकंड होगा क्या या नहीं होगा? यस सर होगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट है, ऊपर नीचे सिमिलर सिचुएशन है, तो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होगा, तो 20 सेकंड होगा। तो 15 टू 20 का बात करो तो कौन सा ग्राफ होगा, ए बी सी? ए ए यस ए होगा, ये कुछ ऐसा होगा। और इसका एरिया कितना होगा, हाफ इनटू 5 इनटू 10 25, तो हम लोग कहां पहुंचे, 25 हम लोग 150 पे। अब 20 से 25 के लिए ग्राफ कैसा होगा, डी ई एफ? डी सर, डी डी। और बिल्कुल सेम चीज है, तो हम लोग वापस से कहां पहुंच जाएंगे, 125 पे, 25 से 35 कांस्टेंट ई होगा। ये थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। ग्राफ का फील आ गया सबको? यस सर। हाँ मतलब काइंड ऑफ आर्यन ऐसा, आर्यन
हाँ और फिर लास्ट वाला कौन सा होगा F. F. पहले स्पीड ज्यादा है बाद में स्पीड कम है F हो गया और ये मेरा 40 पे हो गया राइट यस ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 एक और डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट क्वेश्चन नंबर लेक्चर 5 क्वेश्चन 6 सी हाँ प्रथमेश क्वेश्चन नंबर 6 का अरे ठीक है प्रथमेश ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है एक याद करो जो टी डैश वाला था जिसको जो हमने काफी ज्यादा टाइम दिया है इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं हाँ इस क्वेश्चन को भी हम लोग मैं इस क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन करवाया था चलो ये जैसे को ड्रॉ करना या हो गया ये हो गया सर ओके सर हो गया ठीक है अब जो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट जो है वो हम लोग एक बार देखे हैं उस टाइप का क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं वो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा 6C मैं दोनों पार्ट करवा देता हूँ फर्स्ट और सेकंड उसका दोनों मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 मुझे लिखना है राइट डाउन द एसटी इक्वेशन फॉर द टाइम इंटरवल 0 से अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 10 इसका मतलब क्या है एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 10 मीटर इसका मतलब क्या है t इक्वल टू 0 पे x कितना है 10 अब इसका फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है राइट डाउन एसटी इक्वेशन मुझे बताना है एसटी इक्वेशन फॉर द इंटरवल 0 से 2 सेकंड के लिए तो 0 से 2 सेकंड के लिए मतलब ये वाला पार्ट अब मान लो यहां से टी टाइम हुआ है तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा ये वैल्यू 10 दिया हुआ है मुझे तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हाँ वो आदित्य ग्राफ से दिख रहा है ना यू इज 0 है t इक्वल टू 0 पे ग्राफ से u 0 दिया हुआ है ठीक है तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा इस येलो वाले ग्राफ में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्लोप ऑफ vt कर्व ये हाइट है 10 ये हाइट है 2 राइट यस सर अच्छा अब देखो मुझे एक्सेलरेशन पता है 5 है तो टी टाइम में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अब यू 0 है तो हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर और हम लोग पहले से कहां पर हैं पहले से हम लोग 10 पे हैं तो एट एनी टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5t² / 2 राइट प्रथमेश ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट कोई दिक्कत हाँ सर समझ में आया नहीं सर हाँ सर आप भी समझे ओके ये वाला पार्ट अच्छा है ये वाला पार्ट तो सिंपल सा था नेक्स्ट पार्ट एक बार ट्राई करो 4 से 8 सेकंड के लिए तुमको निकालना है 4 से 8 सेकंड वाले पार्ट के लिए निकालना है एसटी इक्वेशन स्लोप कितना है मतलब एक्सेलरेशन क्या है 4 से 8 में टेन नहीं 4 से 8 में एक्सेलरेशन क्या है कोई भी जल्दी से
माइनस फोर माइनस फोर नहीं माइनस फाइव हाँ सर माइनस फाइव हाँ तो ये चेंज इन वेलोसिटी ये 20 है और ये 4 है तो 20 बाई 4 दैट इज 5 तो अगर नेक्स्ट पार्ट जब मेरा है एस टी इक्वेशन 4 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू 8 तो एक्सलेशन है माइनस 5 तो डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब पोजिशन होगा मेरा इनिशियल पोजिशन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो देखो इनिशियल पोजिशन क्या है पहले तो इनिशियल पोजिशन निकालो इनिशियल पोजिशन निकालो इनिशियल पोजिशन कहां पर था टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये पूरा एरिया ये पूरा एरिया प्लस 10 राइट इनिशियल पोजिशन ये फिर आ रहा है हाँ सर तो इस पूरे का एरिया क्या होगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 15 ठीक है प्रथमेश तो इनिशियल पोजीशन इसके लिए क्या हो जाएगा 25 प्लस मान लो मैं यहां से टाइम टी लिया यहां से टाइम टी लिया फिर या टी डैश लिया तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा इनिशियल स्पीड 10 है तो प्लस 10 टी डैश प्लस हाफ इंटू माइनस 5 इंटू टी डैश स्क्वायर हाँ या ना प्रथमेश वापस बताओगे 10 क्या किया ये तुमको 25 समझ में आया ये 25 समझ में आया हाँ सर हाँ सब लोगों को 25 समझ में आया सर और एक बार समझाओ ओके ठीक है तो 25 के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले 25 फाइंड करते हैं इनिशियली मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था हाँ इनिशियली मेरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे था अब इन द नेक्स्ट 4 सेकंड 0 से 4 सेकंड ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया एरिया अंडर दिस कर्व राइट यस सर तो उस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो गया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम तो ये हो गया 16 अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ अच्छा मैंने एरिया गलत निकाला था क्या 4 टू द 6 16 60 बाय 230 सॉरी ये 30 मीटर आएगा इस ट्रेपेजियम का एरिया राइट 2 इंटू 10 20 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 हाँ इस ट्रेपेजियम का एरिया हो गया 30 मीटर और हम लोग पहले से 10 मीटर पे थे तो हम लोग का इनिशियल पोजीशन 40 हो जाएगा अभी फील आया ये यस सर 40 ठीक है सबको समझ में आया यस सर ओके अब देखो इस इंस्टेंट पे मेरा स्पीड कितना है 10 एक्सेलरेशन कितना है माइनस 5 तो तुम यहां पर लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज माइनस 5 स्पीड इज माइनस स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड तो हम लोग s इक्वल टू x नॉट प्लस ये चीज लिख सकते हैं u मुझे 10 पता है ये मुझे माइनस 5 पता है मैंने वो पुट कर दिया वैल्यू राइट यहां तक कोई दिक्कत नहीं नो सर अब देखो वापस से मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 40 प्लस टी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं मान लो ये ओरिजिनल टाइम टी है तो टी डैश को मैं लिख सकता हूँ टी माइनस 4 जैसे उस दिन लिखा था यस सर टी डैश को टी माइनस 4 सब्स्टिट्यूट कर दो 10 टी माइनस 4 प्लस हाफ माइनस 5 इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ठीक है प्रथमेश समझ में आया हाँ और कोई डाउट है किसी को नो सर ठीक है मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और तुम लोग का होमवर्क मैं बता देता हूँ फॉर द नेक्स्ट 2 डेज
x not 40 कैसे? हाँ प्रथम x not 40 कैसे? देखो इनिशियली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? t equal to 0 पे. हाँ आदित्य, मैं सारे होमवर्क लिस्ट आउट कर देता हूँ. इनिशियली हम लोग t equal to 0 पे 10 पे थे, और मैंने 4 सेकेंड के पहले तक ये जो मैं ब्लू सेट कर रखा हूँ 30 मीटर ट्रेवल किया. ठीक है प्रथम, तो 30 और वो पहले से 10 ट्रेवल कर रखा, तो 30 प्लस 10 40 राइट. ओके सर, ठीक है. ओरिजिन से नहीं था? हाँ मतलब ओरिजिन से पहले से वो 40 आगे था और फिर इतना और ट्रेवल किया. ठीक है, तुम लोगों का काम क्या होगा? रिपीट, एच सी वर्मा ये कंपलसरी है. एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन 31 एंड सॉल्व्ड एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल अप टू 10. इसके डाउट्स हम लोग जो डाउट्स लेक्चर होता है ना उसमें देखेंगे. लेक्चर 5 एंड लेक्चर 1 to 5, इसके सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन जो रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन. तो पहले ये ट्राई करना, फिर एच सी एम ट्राई करना, और इनकेस अगर किसी को और पढ़ने का मन ना हो और भी बच रहा हो तो एच सी एम का वेक्टर सॉल्व कर लेना. चैप्टर नंबर 2. प्रथमेश, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है और ये चैप्टर 2 है. और ये जो मैं तुमको भेजा हूँ जील वाला मटेरियल उसका मैं, ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना तो सारे जो जितना भी मैं एक्सरसाइज भेजा हूँ अभी तक उन सबको मैं एक साथ कंपाइल करके तुमको भेज दूंगा फिर से, सारे लेक्चर 1 to 10 जो भी है. झील वाला कौन सा है जो मैं तुमको भेजता हूँ ना हर लेक्चर के पहले? हाँ सर, PDF वो वाला. ओके सर, वो है ये. ओके सर, अभी